नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस देश की पुरानी बीमारी है भ्रष्टाचार की दीमक, और ये दीमक भूखी भ्रष्टाचारी अफसरशाही को कैसे खोखला कर रही है, इसका एक ऐसा नमूना मेरठ में देखने को मिला है। जी हाँ, इससे साफ हो रहा है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी हथेली पर पैसा आते ही कैसे किसी भी इंसान की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, कैसे जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी अफसर नोटों के पीछे किसी भी इंसान की जिंदगी की कहानी लिख देते हैं। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि मेरठ में एक रिक्शा चालक की हकीकत बता रहा हूं। बिल्कुल सही सुना आपने, एक रिक्शा चालक की हकीकत बता रहा हूं। यहां एक रिक्शा चालक की जिंदगी भर की कमाई का भ्रष्ट अधिकारियों ने सौदा कर दिया। पहले आप इस गरीब का बयान सुनिए, उसके बाद स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा। MDA के चक्कर इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि मेरी रजिस्ट्री हो चुकी है, मकान मेरा है, उसमें किसी और का काबिज कर रखा है। मुझे तो, मैंने तो MDA से मकान लिया, मुझे अपना मकान चाहिए। अच्छा, कब आपने मकान लिया, कब आपने पेमेंट जमा करा, कितना पेमेंट जमा किया? मैंने करीबन 8वें महीने में पेमेंट कर दिया इसका, और जी 8वें महीने में, ये जो 8वें जो गई है साल 2020 में, 8वें महीने में मैंने सारा टोटल पेमेंट हो चुका। उसके बाद में मेरी ये रजिस्ट्री हुई है, सारा पेमेंट 3,10,000 रुपये जमा हो चुका। कितना बड़ा मकान है आपका? 30 मीटर का है जी। अब जब मकान नहीं मिल रहा है, आपको जगह कौन है? वहाँ कोई और व्यक्ति है जो उसमें जी, उन लोगों ने कब्जा किया है या इन्होंने अलॉट कर दिया उसको भी? जी वो तो वैसे काबिज है इनकी तरफ से, या कौन है मैं तो जानता भी नहीं, मैं हमें नहीं पता जी। अच्छा, अब यहाँ अधिकारी से मिले आप लोग, क्या कह रहे हैं? जी अधिकारियों के पास जा रहे हैं, बहुत धक्के खाते हैं। कोई कहता है कि उनसे मिलो, कोई कहता है उनसे मिलो, और जब जहाँ जिनका काम है, जैसे कि अरुण शर्मा जी हैं, उनके पास भी गए थे हम, तो वो काफ़ी बदतमीजी कर रहे थे, कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ, बल्कि हमारे ही खिलाफ में वो FIR करवाएंगे। और वो ये मेरी बीवी अभी उस दिन बात कर रही थी तो कह रहे थे कि ऐसा है यहाँ मत आना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं हमारे पास। कुछ अधिकारी से मिले नहीं हुए आप जाके? और अधिकारी बैठे हैं ऊपर, मिले नहीं उनसे? जी उनसे मेरी, जो BC साहब हैं अभी, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, ना मुझे मिलने दिया। तो सुना आपने, लात गरीब के पेट पर मारकर अपना घर भरते हैं ये लोग, इसलिए ऐसे अफसरों को भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि धनवान भिखारी का नाम दे देना चाहिए, क्योंकि मनोज जैसे गरीब लोगों की पेट काटकर ये अधिकारी अपना पेट भरते हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि मेरठ कमिश्नरी चौराहे पर खड़ा ये पीड़ित मनोज कुमार खुद अपनी कहानी बता रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों ने इस रिक्शा चालक से 3 लाख रुपए जमा करा लिए, लेकिन मकान किसी दबंगों को बेच दिया। ये रिक्शा चालक मनोज अपनी पत्नी के साथ अधिकारियों के चक्कर काट कर थक गया, लेकिन अधिकारियों ने इसकी एक नहीं सुनी, यानी पाई पाई जमा करने के बाद भी मनोज को उसका मकान नहीं मिल पाया। कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे रिक्शा चालक मनोज कुमार ने बताया कि उसने दुर्बल आय के मकान के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण में 3 लाख से अधिक रुपए जमा किए। पाई पाई जोड़कर मेहनत मजदूरी करने के बाद खून पसीने की गाड़ी कमाई को मेरठ विकास प्राधिकरण को दे दिया, लेकिन जब मकान लेने का नंबर आया तो वह गंगानगर आवास योजना में पहुंचा, लेकिन उसने मकान पर कोई और काबिज पाया। मेरे हस्बैंड ने रिक्शा चलाते हैं, पाई पाई जोड़ा, जो जोड़ा था वो सब कुछ यही दे चुके हैं, और अभी मकान का कोई वो ही नहीं है। अभी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? जी जैन धर्मशाला मंदिर वाली गली जी, वहाँ पर रहते हैं। जी वो तो ये कह रहे हैं, टाल मटूरे कर रहे हैं। 1 तारीख तो दे दी थी, 5 तारीख दे दी थी, तो कह रहे कि पुलिस परमिशन नहीं मिली है अभी। जब पुलिस परमिशन मिलेगी जब आपका काम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इसमें। किसी के पास भी जाते हैं वो ही ये जवाब बोलते हैं, सुबह से सर, सुबह से शाम हो जाते, भूखे प्यासे यहीं पर पड़े रहते हैं। कम से कम 7 महीने हो गए धक्के खाते खाते। बस ऐसे ही, जो कर्जे पर पैसा लिया था सर, उसी में से गुजर बसर चल रहा है। उसी में से 4 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे, उन्हें खाना पीना सब कुछ बस उसी में से चल रहा है। जी रिक्शा उक्शा तो अब तो 7 महीने हो गए जी, 7 महीने से नहीं चला पा रहे हैं, यहीं के चक्कर में। सुबह आ जाते हैं, शाम को जाते हैं 5-5 बजे, 6-6 बजे।
दबंगों ने मनोज कुमार के मकान पर कब्जा कर लिया। इस बाबत जानकारी होते ही मनोज अपनी पत्नी को रिक्शे में बैठाकर मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंचा और अधिकारियों से इस बाबत गुहार लगाने की कोशिश की, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी नहीं मिल पाए। जबकि निचले स्तर के अधिकारियों ने दंपत्ति के साथ बदतमीजी करके उनको वहां से भगा दिया। उधर इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर मेरठ विकास प्राधिकरण और उसके अधिकारियों पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।